बाबा साहब ने एक बात कही थी, संविधान कितना कमजोर क्यों ना हो, अगर चलाने वाले लोग अच्छे मजबूत होंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, तो संविधान अच्छा साबित होगा। और चाहे संविधान कितना मजबूत क्यों ना हो, जिनकी नीयत खराब है तो संविधान हमारा कमजोर साबित होगा। तो भेदभाव तो आज भी है, जिला गौतम बुद्ध नगर में हम लोग खड़े हैं, कई घटना हमको दयानकपुर में देखने को मिली है, कभी कुलेसरा में देखने को मिली है, कि जहाँ आज भी लोगों को खाट पे नहीं बैठने दिया जाता, ये छुआछूत तो है। चाहे सहारनपुर की घटना हो, चाहे वो मुरादाबाद की घटना हो, संविधान तो बहुत बढ़िया है, चलाने वाले ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। आपने देखा होगा जब जब उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार रही तो कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक थी, इतनी घटनाएं निकल के नहीं आई कि कहीं छुआछूत या कहीं मोम लिंचिंग हो रही है, कहीं मारकाट हो रही है। जब से मनुवादी लोग बैठे हैं, जिनकी विचारधारा मनुस्मृति से मिलती है, जिनकी विचारधारा ये कहती है कि मात्र 15% लोग यहाँ राज करें, बाकी 85% लोग यहाँ पर राज भी ना करें, उनको गुलाम बनाया जाए, तो आज उनका राज जो है मोम लिंचिंग हो रही है। अभी आपकी ताजी घटना गाजियाबाद की है, जहाँ पर मंदिर पे एक मेरे मुस्लिम भाई को पानी नहीं पीने दिया गया। देखिए, बाबा साहब की ज़्यादातर लोगों को जरूरत होती है चुनाव के समय पे, मगर जो बाबा साहब के असली विचार के जो लोग हैं उन्हें चुनाव से मतलब नहीं होता, वो बाबा साहब के विचार पर हर समय संभव रहते हैं और वो बाबा साहब के विचार पर चलते हैं। ये नहीं होता कि आज मुझे बाबा साहब की जरूरत है तो मैंने पोस्टर लगा दिया और मैं बाबा साहब का अनुयायी होगा। बाबा साहब के अनुयायी होने के लिए बाबा साहब की किताब पढ़नी पड़ती है। सभी नागरिकों को मेरी तरफ से बाबा साहब की 130वीं जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का दिन हमारे लिए गौरवशाली दिन है, आज के दिन बाबा साहब ने जन्म लेकर के हमारे बहुजन समाज के सभी वर्ग को, जो 5000 साल से गुलाम थे, अपने अधिकारों से वंचित थे, पैदा होकर के धरती पर जन्म लेकर के हमें अंधकार से दूर करते हुए रोशनी तरफ लेकर गए। और गुलामी हट गई अब। देखिए, अगर संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया जाए, कुर्सी पर बैठने वाले लोग अगर वास्तव में संविधानिक हैं और बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो गुलामी हट चुकी है। और अगर वो लोग आज भी मनुस्मृति के इशारे पर काम करते तो आज भी हम लोग गुलामी हैं। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर हजारों संख्या में लोग आ रहे हैं और यहाँ पर परमिशन लगाई गई है, लेकिन जहाँ जहाँ मनुवादी लोग बैठे हुए हैं, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, वहाँ कोई भी परमिशन नहीं है। वो लोग आराम से अपनी रैलियाँ कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, कहीं धारा 144 का हवाला दे रहे हैं, कहीं कोरोना का हवाला दे रहे हैं। तो ये सब जो है, ये मनुवादी व्यवस्था के कारण है। और आज का दिन बाबा साहब का इसलिए विशेष रूप से खास है क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि आज कलयुग है, वो उनके लिए कलयुग है जो मनुस्मृति को मानते हैं, हमारे तो ये सतयुग है। क्योंकि अगर बाबा साहब ना होते, संविधान लागू ना होता, तो आज हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते नहीं, संघर्ष नहीं करते, विशेष रूप से महिलाओं के लिए। मैंने पहले भी कहा है, चाहे वो किसी वर्ग से महिला हो, और मैं अगर बात करूं जनला समाज की महिलाओं के लिए, तो जब मनुस्मृति लागू थी तो उनके लिए भी अधिकार नहीं थे। भले ही वह रानी थी किसी जनरल समाज की, लेकिन पढ़ने का अधिकार नहीं था, राजपाठ संभालने का अधिकार नहीं था, अपने मौलिक अधिकारों के लिए वो जो है वंचित थी। जब बाबा साहब का संविधान आया, हिंदू कोड बिल लागू हुआ, तो आज जनरल नहीं, बहुजन समाज के, देश के हर महिला को अपना अधिकार है, वो पढ़ सकती है, बराबरी का हक ले सकती है। यहाँ तक कि जब हमारी बहन बेटियाँ महिलाएँ जो है जो प्रेग्नेंट होती है, तो 6-6 महीने का अवकाश दिया जाता है, वो बाबा साहब की देन है। जब स्कूल में जाती है, बराबरी का अधिकार मिलता है, वो बाबा साहब की देन है। महिलाओं को आना चाहिए, ये सब तो हम सब पे डिपेंड करता है कि हम अपने जो है बहन बेटियों को यहाँ लेकर आए, जहाँ से हमें प्रेरणा मिले। हम लोग मंदिर में जा सकते हैं, हम लोग और अन्य जो है धार्मिक स्थल में जा सकते हैं, हमें कोई परहेज नहीं है, जाना चाहिए, अपना जो है संविधान लागू है। लेकिन जिन्होंने वास्तव में हमें दिया, उन प्रेरणा स्थल पर आना चाहिए। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जिला गौतम बुद्ध नगर में राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थित बना हुआ है, ये बहन जी के शासनकाल में बना, तो यहाँ पर बहुजन महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाई गई हैं, उनके नीचे उनकी जयंती व उनका परिमाण दिवस लिखा हुआ है। कि सिर्फ 14 अप्रैल बनाने से या बुद्ध पूर्णिमा बनाने से जागरूकता नहीं आएगी, आज हम लोग जो मौलिक हमारे अधिकार हैं वो संविधान में लिखे हुए हैं, संविधान को पढ़ें। और आपने देखा होगा, आपने बड़े जो है हिंदी देवी देवताओं के आपने ग्रंथ पढ़ते हो, भाई गीता है, कुरान है, ऐसी कैसा चीज़ें हैं, तो जिससे देश चलता है, जिससे इस देश के हर वर्ग को अधिकार मिलता है, जिस संविधान से आपको जो है मौलिक अधिकार मिलते हैं, उस संविधान को पढ़ें। तो आज बाबा साहब का दिन है, तो शाम को 7:30 बजे कैंडल जलाएं, संविधान को पढ़ें और अपने परिवार में बैठ के चिंतन मंथन करें। जिन लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमारा घर से सीना चौड़ा हो रहा है, वो अच्छी बात है, अपना इतिहास जान रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि पत्थर लगा दिए गए हैं और सरकार चली गई है, ये तो बहुत छोटा सा बहन जी ने यहाँ पे जो पार्क बनवाया है, आप दिल्ली में जाकर देखिए, कहीं कहीं 1000 बीघे के स्मारक बने हुए हैं, वहाँ भी तो पत्थर लगे हुए हैं। आप अभी उत्तर प्रदेश के जो है राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, वहाँ क्या लग रहा है, वहाँ पत्थर नहीं लग रहा,
तो ये तो एक समाज को टारगेट करने वाली बात है। बहन जी ने क्या अपने परिवार की मूर्तियां लगवाई? बहन जी ने सिर्फ क्या सिर्फ एससी समाज की मूर्तियां लगवाई? बहन जी ने तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग सबकी प्रतिमाएं लगवाई और उनका इतिहास दर्शाया गया। जिस प्रकार से बुक में संत कबीरदास, सूरदास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुखदेव राजगुरु के बारे में पढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से बहन जी ने उन प्रतिमाओं को यहाँ स्थापित किया, जिससे कि आने वाली पीढ़ियाँ जाने। मैं कोई पार्टी का बदकारी नहीं हूँ, लेकिन सामाजिक संगठन के जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते मैं कह रहा हूँ कि लोग टांग खींचने वाले बहुत हैं। जो लोग अपने अभी आपने एक सवाल किया था, जो लोग अपनी बहन बेटी को राष्ट्रीय दल पेड़ स्थल तक नहीं ला सकते, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। उनके त्याग को देखिए, उनके बलिदान को देखिए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लगा दिया और आज भी वो संघर्ष कर रही है अकेली। आज अन्य पार्टियों में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सब लोग उनकी टांग खींचना काम कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे भी हैं जो बहन जी टांग खींचना काम कर रहे हैं, वो अपने परिवार की एक महिला तो बाहर लाते नहीं है और बहन जी पे जो है उंगलठाने काम करते हैं, वो सब गलत है और उनका जो है सही समय आने पर जवाब दिया जाएगा। बहन जी ने जो कार्य किए हैं वो वास्तव काबिले तारीफ है और पूर्व में जो मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव जी ने कई बार जो है टीवी डिबेट में कहा है कि बहन जी सक्षम कर सकती हैं, बहन जी ने अच्छा शासन चलाया। और आज तुम देखिए पूरे प्रदेश की जो है जनता पूरी तरातराई कर रही है। अभी आपने देखा हो किसान आंदोलन में कितने मेरे जाट भाइयों ने कहा कि बहन जी का शासन ठीक था, गन्ने के रेट बढ़ाए गए, किसानों को जो है विशेष सुविधाएं दी गई, 12 पे जो है जो बिजली का बिल था वो कम किया गया। तो ये क्या है? सिर्फ मंदिर बनाने से या किसी की बकलोल सुनने से विकास नहीं होता, विकास तो करने तो सा है, तो जो बहन जी ने किया है। ये सिर्फ दलितों की दिवाली नहीं है, मैंने भी एक बयान दिया है कि अगर वास्तव में आज दिवाली है इस देश के उन नागरिकों के लिए जो कि मूल निवासी हैं, तो आज है। होली, दिवाली, छठ पूजा जो भी है वो आज हमारी है। और अखिलेश ने जो बयान दिया है कि भाई आज दलित दिवाली है, वो उनका व्यक्ति विशेष है, वो क्या कहें वो जाने, लेकिन आज ये विशेष सिर्फ दलितों की दिवाली नहीं है, ये तो आज पूरे आर्य समाज आपको एक दायरे में बांधा जा रहा है क्या? अभी भी ये उनका व्यक्ति विशेष हो सकता है कि भाई वो कुछ भी कहें, लेकिन आज जो है पूरे बहुजन समाज के और जो लोग संविधान में आस्था रखते हैं, जो राष्ट्रवादी विचारधारा में आस्था रखते हैं, आज उन सबके लिए दिवाली है। समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? समाज से मेरी अपील है कि लास्ट में आप लोग तलवार से एक लाख सर काट सकते हैं और कलम से 1 करोड़ सर काट सकते हैं। तो बाबा साहब ने कलम का सहारा लिया और कलम से आपको अपने आपके अधिकार दे गए, तो आप लोगों को जो है कलम का सहारा लेना होगा। और बाबा साहब का एक शेर है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा ग्रहण करें, अपने अधिकारों को जाने, इकट्ठा रहें, मजबूत रहें, और युवा शक्ति दल की कहीं भी आपको जरूरत पड़े तो आप लोग हमें संपर्क करें और एक साथ रहें। जय भीम, नव बुद्धाय। बाबा साहब की 130वीं जयंती के लिए जो देश के समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ, क्योंकि अगर इस देश के अंदर बाबा साहब जैसे कानून के धुरंधर पैदा नहीं होते तो इस देश में बेजुबान लोग जिनको बोलने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, रास्ते में चलने का अधिकार नहीं था, और देश के समस्त वासियों को आज़ाद कराया है। साथ में जैसे हिंदू कोड बिल में जो बाबा साहब ने अधिकार दिए हैं वो कोई विशेष वर्ग की महिलाओं को नहीं दिए हैं, पूरे देश की महिलाओं को अधिकार दिए हैं। अगर जैसे बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है, कोई अगर बहन कोई प्रेग्नेंट है तो उसको 6 महीने की लीव दी जाती है, वो सब बाबा साहब की कलम से किया है। और अगर बाबा साहब की कलम के धनुंधर नहीं होते तो जिस स्थान पर खड़े होकर आज हम बोल रहे हैं।